नहीं देख सकती मैं तुम्हें इस कष्ट में। हर दिन का तड़पना तुम्हारा, हर दिन चुनना लोचन काका और बिनॉय अंकल में से किसकी सुनो किसकी मानो। मेरी बात मानो, भेज दो बोंदिता को वापस उसके घर। किसी में तुम्हारी भलाई और बोंदिता की, और एक बार उसका बिस्तर गीला करने की आदत ठीक हो जाए फिर फैसला कर लेना कि तुम्हें क्या करना। और वैसे भी तुम्हें कोई रोक सकता है कि अपने मन की करने से? जब नहीं अपना जादू चलाएगी तो मन में तो भूचाल आएगा। लगता है अनिरुद्ध अब उसे खुद भेजेगा वापस। तुमने उस लड़की को अपनी पत्नी मान लिया है। पत्नी नहीं वो मेरी काका। यहाँ लंदन में हीरो बनने की बजाय अपने इंडिया में वुमन की रक्षक बनो। इसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। सुना, डरपोक हो तुम। He is a bloody coward. जिस फितूर की आग में तुमने जिम्मेदारी ली है ना उस लड़की की, उस आग में जलोगे तुम, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। अगर ये चुनौती है तो मुझे चुनौती मंजूर है बाबा। तो मैं संभालूंगा इसे, मैं ख्याल रखूंगा इसका और इतना लायक बनाऊंगा कि एक दिन आपके सामने आकर आपसे आंखों से आंखें मिलाकर अपना अधिकार मांगेगी। छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। गीला करने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए सबको। इस कुर्सी को वापस रख देती उसकी जगह पे। किस बच्ची से विवाह कराया अनिरुद्ध, जो खुद तो संभल नहीं सकती तो अपनी शादी को क्या संभाल पाएगी। लेगी सब अच्छे से परी दीदी, कितनी अच्छी है ना वो। सब हंसते हैं मुझ पर कि मैं बिस्तर गीला कर देती हूँ नींद में, पाँव करके चिढ़ाते हैं सब। पर वो हंसी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मदद करेंगी मेरी। वो जरूर मेरी माँ की तरह
राक्षस बाबू के गुस्से और डंड से बचाएगी मुझे। क्या क्या नहीं करना पड़ता नई बहू को अपने ससुराल में, सबके सामने अपने आप को साबित करने के लिए, अपने पति को पसंद आने के लिए। पर ये लड़की, इसको इतनी भी समझ होगी क्या? नहीं ना। उद्धम मचाती रहती है बस। नहीं नहीं, सही कहा तुमने। हर लड़की तुम्हारी तरह समझदार नहीं होती, और तू भाग्यशाली भी तो है। तेरा विवाह होगा 20 साल की आयु में, जब तू सही मायने में समझ सकेगी विवाह के अर्थ। वरना 8 साल की बंदिता का विवाह तो वैसे ही हुआ ना, कि गाय के बछड़े को एक खूटे से खोलकर दूसरे खूटे में बांध देना, जहां ना चारे की समझ है ना दूध की। आप उसकी हंसी उड़ा रही हैं या सहानुभूति दिखा रही हैं? दोनों में से कुछ भी करूं, बोल तो तेरी ही तरफ से रही हूं ना। बहुत अच्छी है परी दीदी, उनको अच्छा सा पति बाबू देना। मेरे पति बाबू जैसा नहीं, जो गुस्सा करता है, छड़ी रखता है। माँ ने तो सुनी नहीं मेरी बात। आप तो सुनोगे ना दुकला माँ? ये क्या है? ये विलायती बिस्किट है, पुराने हो गए थे इसलिए फेंक दिया निरुद ने। और आपको पता मुझे क्या लगता है? क्या? बंदिता जल्द ही अनिरुद्ध भी उसे ऐसे ही फेंकाएगा उसके गांव। एक देगा? क्यों भला? अनिरुद्ध ने उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी है क्या? छोड़ी तो नहीं है, पर छोड़ देगा। आप जानती नहीं, क्रांतिकारी बना बैठा है अनिरुद्ध, समाज और देश बदलना चाहता है। पर सच कहूं तो वो खुद ही नहीं बदल पाया। अभी भी उसमें वही रही जमींदारी, रॉय चौधरियों वाले आदत और लक्षण। उसे अभी भी बदबू बर्दाश्त नहीं है। अभी भी उसके विलायती परफ्यूम की खुशबू के बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। सफाई और स्वच्छता का चलता फिरता लाउड स्पीकर है वो। बासी खाना मैले सॉक्स को तो अपने पास फटकने भी ना दे। गंदगी देखकर ही उसे चिढ़ हो जाती है। हर वो चीज जिससे गंदगी फैले, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए जो चीज अच्छी ना हो, उसे तो वो छूता तक नहीं है। देखा नहीं कैसे महंगे विलायती बिस्किट फेंकती है, और एक बार भी नहीं सोचा। तो क्या वो बंदिता को फेंकने से पहले सोचेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके घर में, उसी के कमरे में गंदगी और बदबू फैला रही है, उसे दूर नहीं करेगा? जब उसे पता चलेगा कि 8 साल की होकर भी वो रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। के पास वापस जाने का समय आ गया है बंदिता। अनिरुद्ध की कंधों पर से जिम्मेदारी का बोझ हटाकर अनिरुद्ध को फिर से अपना कर लूंगी, और इस बार हमेशा के लिए।